हेलो, तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। अभी आप आए हैं जोधपुर में, आज आप जोधपुर पूरा कवर करेंगे, जोधपुर घूमेंगे, कौन कौन से यहाँ पे अच्छे प्लेस हैं। तो ये अपने सारा सामान है अपने तीनों का जो जो आप लेके आए थे। तो आज कहाँ कहाँ जाना है अपने? आप जाएंगे महाराणागढ़ फोर्ट, जसवंत थाड़ा, आप जाएंगे राजहाट डेजर्ट। भाई गजेंद्र, तो इसी के रुपया पर रुके हुए थे और अभी आप आए हैं सदन भवन। कौन सा भवन है ये? उमेद पैलेस, उमेद भवन या उमेद पैलेस बोल सकते हैं इसको। तो आप इसके अंदर चलते हैं अभी ना। तो अभी आप उमेद भवन के अंदर एंटर कर चुके हैं। उधर कोई शादी का फंक्शन चल रहा है, शादियाँ चल रही है उसकी। साहिल पानी कितने में पड़ रहा है तेरे को? 120 रुपये। पांडे निकाल ले गाड़ी। पांडे निकाल ली गाड़ी, पार निकाल ले, जाते टाइम आसान हो जाएगा अपने घर जाना। सही है ना यार, सीसी की वजह से ना साफ दिखाई नहीं दे रही गाड़ियाँ। ये देखो गाड़ी है, गाड़ी है। कौन सी है ये? कैडिलैक। विंटेज कार है सारी। तो अभी आप जहाँ थे उमेद भवन में, तो वहाँ निक जोन और प्रियंका की शादी वहीं हुई थी। और कि बोलते हैं यार, काफ़ी मूवियाँ यहाँ शूट हुई है। एक नसीब मूवी है कोई गोविंदा की, नसीब भी बोला था, नसीब मूवी है गोविंदा की, वो भी यहीं शूट हुई है इसी भवन में। तो काफ़ी फेमस है ये। सही है ना, उमेद पैलेस देखने जा रहा है। अच्छा है, प्रदूषण फैला रहा है। ये बात अब बोलिए। पापा कोई कमाई करके भाई ऐसा पैलेस लेके दे तो सारे। मम्मी पापा कमाई करके लेके दे जाते, मतलब मम्मी पापा तेरे यानी क्या डेथ होगी उनकी? नहीं नहीं, मतलब लेके दे दें तो सारी अपनी जो जितनी भी अपनी जो पुश्तें होंगी वो बैठ के खा सकती हैं भाई। जैसे कि एक भी कोई सेलिब्रिटी आ जाएगा तो 300 करोड़ रुपए आप हिसाब लगा लो, 300 करोड़ रुपए कैसे होते हैं? सारी जिंदगी आप लोग गिन नहीं सकते। 300 करोड़ मशीन से 2000 रुपए के नोट, 300 करोड़, थूक खत्म, थूक तो रहेगा ही नहीं, बनना ही नहीं रहेगा एक्चुअल में इतना पैसा गिनने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो इतने इतना पैसा है इंडिया में। तो इसकी क्या कीमत होगी यार आपके हिसाब? इसका कीमत अरबों खरबों में, आउट ऑफ माइंड है एकदम। इसकी कोई कीमत ही नहीं है भाई, अनलिमिटेड है ये। मतलब 300 करोड़ की एक मैरिज आप हिसाब लगा सकते हो, अभी वो आदमी बेचेगा ही नहीं। पहली बात तो अभी 300 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं मेरे को लगता है। हमारे जैसे लोग 300 रुपए ही बहुत होते हैं भाई, जेन्युइन सी बात है। मेरे को लगता है अपने से घर नहीं खरीदा जाएगा। हाँ, ये भी करोड़ का ही होगा, करोड़ ज्यादा होगा। मकान भी पत्थर का ही है पूरा, देख लो। हाँ, उसी पत्थर से लग रहा है, यही पत्थर लगाते थे जो पीछे लगा हुआ है ना। तो अभी आप आ चुके हैं मेहरानगढ़ का जो किला है भाई, इसकी कोई हिस्ट्री तो बता दे यार। हिस्ट्री किस लिए बनाया था, क्यों बनाया था या ऐसे? ये फोर्ट है, ये मतलब कि जब जोधपुर का विस्तार नहीं हुआ था ना। अच्छा, ये उस टाइम का है। इधर देख के बता। ये जबकि फोर्ट जैसे कि नामो निशान नहीं था जोधपुर का। अच्छा, ये उस टाइम का है। तो किसने बनाया था ये? ये गजेंद्र सिंह शेखावत के पुरखों ने। अब किस लिए रहते थे क्या वो यहाँ पे? वो रहते थे पहले यहाँ पे। अच्छा, तो चलो चलते हैं इसके अंदर और आपको अंदर से दिखाएंगे।
किले के अंदर की एंट्री है। ये किला जैसे था वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं किया है, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, जो ऐसा था वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। तो इधर भाई एक संगीत चल रहा है, संगीत किसी को पसंद हो तो सुन। साहिल को 11 बार बोल दिया, भी उनसे पूछ ले पास जाता है, घूम घाम के वापस आ जाता है, पर पूछता नहीं है। पूछ ले यार, जा चल जा, डर लगता है भाई, पूछ क्या है, डर लगता है, साहिल जाएगा, जा पूछ क्या था। ये तो भाई पंगा ले लिया गजब वाला। चलो भाई उनके पास इंस्टाग्राम पे पता लग गया। अब देखो भाई पिंक सिटी का बबिंग आके ढक्कन ला रहे हो रे, किसका नहीं तो ऑप्शन है, अच्छा क्या करना था ढक्कन ला रहे हो, कौन था ये बना के जे फुस की लागे तो आपका महल में गिर दिन। जे तो फुस की चाल जे तो आपका महल का भाई। तो ये जो तोप आई आप हम सोच रहे हैं इसको उठा के ले जाएं, क्योंकि जब हमारी पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है गांव में आपको पता ही भाई हो, तो इस तोप से हमला बोल देंगे हम पड़ोसियों पे। इसका गोला बहुत बड़ा है जो आगे वो आपको दिख रहा है। तो किले का पूरा एक व्यू मैंने आपको दे दिया है, तो बाकी बड़ा ज़बरदस्त किला है। तो इसकी 200 रुपये पर पर्सन टिकट है तो अंदर जाने के लिए। भाई अंदर से पूरा गजब बनाया हुआ है, ज़्यादा मैंने वीडियो शूट की नहीं, खास जो चीज़ें थी वो आपको दिखाई है, और मैंने कहा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में निपटा देते हैं। बाकी भाई बाहर से आपको लग रहा होगा ऐसे खंडर, ठीक है, पर अंदर से बिल्कुल एकदम चकाचक बनाया हुआ है। तो अब आप जो अपने साथ अपना दोस्त आया हुआ था, उसके जो कज़न है वो यहाँ पर जॉब करते हैं, तो उनके साथ वो गया हुआ है। जैसे ही वो आता है आप वैसे ही अपने रूम की तरफ चलते हैं। और अभी अपन रूम में हैं,
बाकी रूम में भी कोई नहीं है, सारे बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को आज एंड यहीं कर देते हैं। और जो जो अपने प्लेस रह गए हैं वो आप कल कवर करेंगे। एक अपनी लेक रह गई है वो देखते हैं, अभी नाइट में अगर अपना प्रोग्राम बनता है तो अभी आप जाएंगे उसको कवर करेंगे। बाकी ये ब्लॉग आज यहीं ख़त्म करते हैं।